फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। और अब हम प्रस्थानम की जो नई जनरेशन, न्यू जनरेशन जो लड़ाई कर रही है फिल्म में, उनके साथ बैठे हैं। बहुत लड़ाकू हो आप सब लोग। हाँ, नई जनरेशन। आप तो शांत हो। ओके, प्योर एंड पाइस एज इन द राधेमा स्टाइल। मेरा किरदार इज द ओनली शांत वन। ओके, यू आर द ओनली शांत वन। ओनली शांत नहीं, पर शिवी इस फिल्म में, शिवी एक्चुअली बहुत शांत है। वो बहुत सुशील लड़की है, शी इज वेरी प्योर। लाइक वो ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो क्या लड़ोगे आप और एक्स्ट्रा। हाँ, सच में ना। राइट, ट्रेलर से देखो मुझे लग रहा है कि कौरव ये हैं, मतलब दुर्योधन ये हैं और आप पांडव वाले। आपको सही करूंगा इस पे, दुर्योधन तो नाम उनको दिया गया था, सुयोधन नाम था। करेक्ट, आई नो इट वेरी वेल। और मेरे लिए वो हीरो हैं। आपके लिए सुयोधन हीरो है। हाँ, तो यानी आप हो क्या सारा जस्टिफाइड है? आप हो क्या सुयोधन? वो आपको देख के डिसाइड करना। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति। अच्छा, आप इसलिए लड़ रहे हो कि भैया मैं बड़ा बेटा हूँ, राइट? मैं देख लगता क्या है, कौन बड़ा बेटा हो? बड़ा है, मैं छोटा हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ। क्योंकि ये जो बात हो रही है, और उसमें काबिल, वो ज्यादा काबिल है, वो सोच कर फैसला करते हैं। और आपने जिस पैनी नजर से एक एक लाइन को परखा है, ये काबिल तारीफ है। वो जो सीन है उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी फनी सी स्टोरी है। नहीं, बस ये है कि उसका पूरी स्टोरी का मुद्दा ये था कि संजय दत्त आज भी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मुझे उनको हटाना पड़ा था, मेरी जान लग गई थी। उनका जो पंजा मेरे पीछे पड़ा था, तो वो ऐसे जब झिझोड़ के मुझे मारते हैं कि गुंडागर्दी करेगा, राजनीति करेगा, फाड़, एक हाथ ऐसा गया था। एंड अली, ये बता सकते हो? सो अली, वी ऑल गेट कैरिड अवे। तो अली मैं डायलॉग भूल गया यार। तो अली वाज लाइक, बाबा का डायलॉग था, लेकिन अली साहब ने बोला, नहीं नहीं बाबा मत मारो, बाबा उसको मत मारो। बहुत लाइनें थी, तुम मेरे पास आए कहने, ये तुम बोल दो क्योंकि बहुत ज्यादा। आप मेरे भाई भी नहीं है इसमें कि मैं बोल दूं और निकल जाएगा। यू आर माय फादर। तो नहीं, फिर वो ऐसे कुछ यूं करके माय डायरेक्टर साहब ने। हाँ, मान वाली। ये सारे जो वेटरन एक्टर्स हैं ना, उनका तरीका आपको बताने का इतना खूबसूरत होता है कि सीन के बीच में उनको पता है कि एक सीन की लय है, एक रिदम है, लेकिन वो बोलेंगे कि इफ यू ट्राई दिस, देयर वाज इमोशनल सीन हैपनिंग बिटवीन मी एंड संजू सर, एंड वहां पर इट वाज गोइंग रियली गुड, एंड देन ही सेड कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस वन टेक्निक। And then, okay. as an actor, you always feel that I'm feeling from within, and everything should be visible if I'm feeling it. But वो एक छोटा सा technical चीज जो आप add कर देते हो अपने performance में, which is craft, and which you learn over the period of working in many films. एक छोटी सी चीज आई, वो scene जो ऐसे उड़ रहा था, वो उड़ के बिल्कुल ही ऊपर चला गया, and you could feel it. I could feel it at that point of time. Everybody around. इस film को करते हुए आप लोग politics के बारे में क्या feeling आई आपके अंदर? क्या समझा आपने? क्या कैसी चीज है? अरे वेरी वायलेंट पॉलिटिक्स, वेरी वायलेंट। ओके, बड़ी अजीब चीज है। अगर आपको कोई चीज चाहिए, और कई बार द हंगर फॉर पावर एंड ग्रीड इतनी आपको नेगेटिव तरीके से, ऐसी नेगेटिव जगह पे पुश करती है कि आपके अंदर का शैतान जाग जाता है। ओके, तो आपको पावर हंग्री जब इंसान होता है, तो आई थिंक बहुत सारी नेगेटिविटीज भी उजागर होती हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई को भाई से लड़ा देता है, पिता से लड़ा देता है। पॉलिटिक्स बेसिकली एक रिश्तों का खेल है, उसको आप इधर ट्विस्ट कर दें तो गलत चीजें हो सकती हैं, उधर कर दें तो बहुत अच्छा भी हो सकता है, सोसाइटी चेंज हो सकती है। अब वो, पर वो ये हमने फैमिली में भी दिखाया है, पर वो जनरली अच्छी की तरफ जाता नहीं है, शायद जनरली नेगेटिव में ही जाता है, क्योंकि ग्रीड आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रस्थानम, एक बार फिर मैं वही बोलना चाहूंगी कि फिल्म का नाम जरूर प्रस्थानम है, पर आपका थिएटर्स में आगमन बहुत जरूरी है, जरूर देखने जाइएगा फिल्म को।